नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मंगलवार की रात चुपचाप रख देना, यहां पर एक लॉन्ग जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि किसी भी के दिन कर लेते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो अवश्य ही पूरा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं, वो जो भी आपको उपाय बताते हैं या तो वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं या ऐसे उपाय होते हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय और धन नष्ट होता है। परंतु यदि आज आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लेते हैं और मंगलवार के दिन किए जाने वाले प्राचीन काल के समय के लौंग के उपाय को समझ करके कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई मनोकामना होगी वो बजरंग बली जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, हनुमान जी महाराज, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक लौंग का प्रयोग ना किया जाए इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज के सामने चाहता है कि उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको हनुमान जी महाराज के सामने लौंग के उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को प्रिय क्यों है। दोस्तों, आपको बता दें, हनुमान जी महाराज का जो शस्त्र है, गद्दे का जो आकार होता है वो बिल्कुल लौंग जैसा होता है। हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही प्रिय है और यदि आप मंगलवार के दिन लौंग के उपाय कर लेते हैं जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा और वरदान प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई वेद पुराण में साफ साफ कहा गया है कि यदि लौंग का उपाय मंगलवार के दिन सही मार्ग पर सही क्रिया अनुसार किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तांत्रिक लोगों को भी आप लोगों ने होगा कि वो जब भी पूजा पाठ करते करते तो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही करते हैं, क्योंकि लौंग का प्रयोग करके आप अपनी किसी भी पूजा को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं और सही मुहूर्त पर करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में आपकी कैसी परेशानी हो, कैसे ही दिक्कत और कितनी बाधाएं हो, हर प्रकार की समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ हनुमान जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपको किसी बीमारी ने पकड़ रखा था, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन तो आएगा ही आएगा, जो आपके पास धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। आपका मंगल ग्रह इतना हो जाएगा जिसके पश्चात इस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही सफल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए महाराज की जय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, लौंग के यहां जो आपको बताना रहे हैं ये कुछ उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र से बताएंगे, कुछ उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र से बताएंगे।
इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, इस क्रिया अनुसार करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन यदि आपने लौंग के उपाय कर लिए, जो आपको हम बता नहीं रहा है, अवश्य ही आपको इनका लाभ मिलेगा और जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महापर्व। यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आ नहीं रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गया है, मान लीजिए आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसका आप पहले तो आप भुगतान कर ले रहे थे, परंतु अब भुगतान कर पाने में असक्षम होते हुए चला रहे हैं और उस कर्ज के बोझ में दब गए हुए चले जा रहे हैं। एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। आज मंगलवार या यदि आपने क्रिया अनुसार सही मुहूर्त पर कर लिया, जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको जीवन में खुद दिखेगा कि कैसे भगवान हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले मंगलवार को आपको यह उपाय कैसे करना है, ये बड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए 5 मंगलवार आपको यह उपाय करना है, और 5 मंगलवार मतलब 5 मंगलवार 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। पहले मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना है, धोना है और लाल रंग के ही कपड़े पहनना है। हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आपको एक चमेली के तेल का दीपक लेना है, एक साधारण सा लाल कपड़ा लेना है, आपको एक चाय शीशे के लिए ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाय ले लीजिए, आप लोग कोई कांच की आपको एक शीशी लेनी है, उसमें आधा नमक। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठना है, सबसे पहले चमेली का तेल का दीपक जलाना है, लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर ये जो आधा नमक वाली थैली है उसको रखना है। चमेली के तेल का दीपक जलाने के पश्चात अपने हाथ में दो लोग पकड़े गए, दो लौंग हनुमान जी महाराज के सामने पकड़े और हनुमान जी महाराज का 20 मंत्र बोलिए, ओम हनुमते नमः। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, AUM हनुमते नमः। इस 20 मंत्र का कम से कम 1000-8000 आपको करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इनकी पूजा में 1008 का अंक का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। 1008 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और इसी लोन बिल्कुल इस शीशे में डाल देना है और शीशे को बंद कर देना, फिर इस लाल कपड़े से इस शीशे की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को उठा करके अपनी अलमारी में, तो चोरी में पर भी आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना। केवल इतना पहले मंगलवार को कर लीजिए, दूसरे मंगलवार को फिर से शिशु को निकाल लिए, एक चमेली के तेल का दीपक जलाए, फिर से दो लोन को हाथ में पकड़ लिए, हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए और दो लौंग ऑन करके अपनी 5 मंगलवार यहां उपाय कर लीजिए। 5 मंगलवार के पश्चात आपके जीवन में जो भी ऐसे दोस्त होंगे जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में होंगे, उन देशों से आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगी। ये शीशे आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर की बरकत रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, आपके घर में रो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 3 मंगलवार या उपाय कर लीजिए। 3 मंगलवार के पश्चात आपके घर जो भी दोषी होगा, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा था, घर की बरकत और उन्नति रुक गई थी, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। 3 मंगलवार आपको सूर्यास्त के पश्चात बस या करना है, घर के मुख्य द्वार को लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और हर दीपक में एक लौंग डालना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। 3 मंगलवार या उपाय करने के पश्चात आपके घर से हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चल जाए, तो एक साधारण उपाय हम आपको बता दे रहा हूं। ये केवल एक मंगलवार आपको करना या उपाय आपको दिन में करना है। सूर्यास्त से पहले सुबह किसी भी मंगलवार के दिन नहाए धोए आपको एक लाल कपड़ा लेना है, 5 गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र पूजा घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। 5 गोमती चक्र कर लीजिए और 11 लौंग लीजिए। एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र 11 लौंग रख करके उसकी पोटली बना लीजिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाए। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का जलाए इस पोटली को। हनुमान जी महाराज के छुपाई है और इस पोटली को ला करके अपने व्यापार स्थान के दान पेटी में डाल दी जाए। इतना उपाय यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके व्यापार में जो भी दोष लगा हुआ था, जिसके लिए आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया था, आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन के सारे रास ये खुल जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ नहीं देगा, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका मंगल ग्रह आपके साथ है तो आप गलत निर्णय भी लेंगे, तो गलत निर्णय आपको फायदा पहुंचेगा और मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी महाराज। तो आपको क्या करना है, 3 मंगलवार या उपाय कीजिए जो को बताना रहे और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। 3 मंगलवार को मतलब 3 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। पहले मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना धोना, ये एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे को पूरा गंगा जल भर दीजिए, गंगा जल नहीं, यदि आपके पास तो सादा जल भर दीजिए। आप लोगों को 2 लौंग लेनी है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए, सबसे पहले पीपल पेड़ की जड़ में आपको एक लोटा जल चढ़ाना, 2 लौंग को आपको पूर्व दिशा में पीपल पेड़ के पास फेंक देना है। उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा लगानी है और घर वापस आ जाना। 3 मंगलवार या उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपका मंगल ग्रह का इस प्रकार से साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे अपने जीवन में उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।